गर्मियों के इस मौसम में आपको बहुत ही अच्छे से ठंडक दे, ऐसे हम चार ड्रिंक बनाएंगे। सबसे पहले तो बनाएंगे मोहब्बत का शरबत, बहुत ही बढ़िया बनता है, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दूसरा हम बनाएंगे ककड़ी का एक ड्रिंक, बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा। तीसरा हम बनाएंगे कच्ची कैरी का मोहितो, ये भी एकदम इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और चौथा हम बनाएंगे बिना गन्ने से गन्ने का जूस, यकीन नहीं आता ना, तो रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। चारों ड्रिंक बहुत ही बढ़िया है, इंस्टेंट रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विराज नायक रेसिपीज़ में, और आज हम बनाएंगे समर के लिए चार बहुत ही बढ़िया ड्रिंक। सबसे पहले हम बनाएंगे मोहब्बत का शरबत, तो इसके लिए मैंने एक कप वाटरमेलन लिया है। अभी वाटरमेलन को मैंने बहुत ही अच्छे से काट लिया है और उसके जो बीज है वो मैंने निकाल दिए है। अभी इसमें हम 2 टेबलस्पून रोज़ सिरप मिलाएंगे। ये ड्रिंक में ये जो वाटरमेलन और रोज़ का कॉम्बिनेशन है उससे ही टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी हम इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून पीसी हुई चीनी। यहाँ पे जो रोज़ सिरप हमने डाला तो उसमें भी थोड़ी चीनी होती है, तो यहाँ पे चीनी हम थोड़ी कम ही डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम 2 टीस्पून ही डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें हम 250 ml दूध मिलाएंगे। दूध यहाँ पे बहुत ही ठंडा लेना है। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून वेनिला आइसक्रीम मिलाएंगे। यहाँ पे आप वेनिला आइसक्रीम ही लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी एक ब्लेंडर से इसको अच्छे से चर्न कर लेना है। गर्मियों के मौसम में जब भी आप इसे बना के पियोगे आपको बहुत ही खुशी होगी। अभी हम इसमें 1 चम्मच सब्जा मिलाएंगे, तो यहाँ पे सब्जा को मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून कटे हुए वाटरमेलन। तो फिर से सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मोहब्बत का शरबत तैयार है, तो अभी इसको हम सर्व कर देंगे। सर्व करने के लिए सबसे पहले ग्लास में हम थोड़ा सा रोज सिरप डालेंगे, 1/2 चम्मच जितना। उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा सब्जा डाल देंगे, थोड़ा सा तरबूज डाल देंगे, और अभी जो हमने मोहब्बत का शरबत बनाया तो इसमें पॉर कर देंगे। अभी ऊपर से हम थोड़ा सा आइसक्रीम डाल देंगे। तो ये मोहब्बत का शरबत आप जरूर बनाइएगा। जब हम इसकी शूटिंग कर रहे थे तब भी सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सब जरूर बनाइएगा। अब हम बनाएंगे क्यूकम्बर कूलर, यानी कि ककड़ी का शरबत, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो उसके ले लेंगे 1/2 ककड़ी, और उसकी जो स्किन है वो मैंने निकाल दी है। बहुत सारे पुदीने के पत्ते डालेंगे, तो 15 से 20 पत्ते लेने हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चीनी, तो यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी ले रहा हूँ। ये सारी प्रोसेस आप मिक्सर जार में भी कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं यहाँ पे बॉल ले रहा हूँ। अब इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक मिलाएंगे, ये आप जरूर मिलाना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा नमक मिलाएंगे 1/8 टीस्पून जितना, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाएंगे। उसके बाद 1 नींबू का रस मिलाना है, साथ ही में यहाँ पे 3 से 4 बर्फ के टुकड़े लेंगे, और उसके बाद इसमें मिलाएंगे 2 कप पानी। अब ये सारी चीजों को हम मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेंगे। अब हम ड्रिंक को सर्व कर देंगे, तो एक ग्लास में सबसे पहले नींबू के टुकड़े डालेंगे, ये आप जरूर डालना, इससे ड्रिंक में बहुत ही बढ़िया नींबू का फ्लेवर आएगा। उसके बाद थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, और अभी हमने जो ड्रिंक बनाया वो पॉर कर देंगे। तो ये जो कूलर है उसको आपको एक बार छान लेना पड़ेगा जब क्रश हो जाए उसके बाद, और उसके बाद इसे सर्व करोगे तो वो पीने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी ऊपर से थोड़ी सी बर्फ डालेंगे और पुदीने की पत्ती से गार्निश करेंगे। ये लीजिए, तैयार है बहुत ही बढ़िया क्यूकम्बर कूलर। अब हम बनाएंगे गन्ने का रस, वो भी बिना गन्ने के। तो सबसे पहले लेंगे 1/4 कप गुड़, उसके बाद इसमें हम अदरक मिलाएंगे 1 इंच का टुकड़ा, तो अदरक को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया था। अब हम इसमें 1 नींबू का रस मिलाएंगे, उसके बाद 1/4 टीस्पून काला नमक मिलाना है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे 1/8 टीस्पून जितना,
उसके बाद इसमें 2 कप पानी मिलाएंगे। अब हम इसमें 4 से 5 बर्फ के टुकड़े डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालने तो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी ब्लेंडर इसमें घुमा लेंगे। ये ड्रिंक आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत हद तक गन्ने का रस का ही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि गुड़ जो बनता है वो गन्ने के रस से बनता है और यहाँ पे हमने गुड़ से एक ड्रिंक बनाया। अब इसे सर्व कर देंगे। सबसे पहले तो ग्लास में बर्फ के टुकड़े डाल देंगे और अभी हमने जो ड्रिंक बनाया तो वो पॉर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो भी बहुत हद तक जो गन्ने का रस होता है वैसा ही आया है। ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। तो तैयार है गर्मियों में आपको बहुत ही अच्छे से ठंडक दे वैसा हमारा तीसरा ड्रिंक। अब हम बनाएंगे कच्चे आम से मोहितो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसके लिए मैंने जो तोतापुरी आती है वो ली है। यहाँ पे एक कच्चा आम लिया है तो इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ उससे आपके 2 ग्लास मोहितो बनेंगे। ये देखिए ये अच्छे से कद्दूकस हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, सिर्फ 3 चम्मच जितना। उसके बाद आधे नींबू का रस मिलाएंगे। तो वैसे आम भी खट्टी होती है और नींबू की खटास भी हम डाल रहे हैं क्योंकि नींबू से इसमें बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा। अभी एक बार सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम एक छन्नी लेंगे और एक बर्तन लेंगे और उसमें ये जो है उसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो आम है उसका रस अच्छे से निकल जाए। ये देखिए ये जो हमने सब कुछ कद्दूकस किया तो वो एक छन्नी में डाल देंगे और उसको दबाते हुए सारा उसका जो रस है वो निकाल देंगे। यहाँ पे छन्नी में जो आम बचेगा तो उसकी आप चटनी भी बना सकते हो, उसकी रेसिपी भी मैंने पहले ही अपलोड की है तो आप वो जरूर देखिएगा। ये देखिए हमने इसका सारा रस निकाल लिया है। अभी सबसे पहले इसमें हम 1/8 टीस्पून नमक मिलाएंगे, उसके बाद 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाना है, उसके बाद 1/2 चम्मच काला नमक मिलाएंगे, 3 चम्मच पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। चीनी की जो मात्रा है वो आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी सब कुछ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये जो मिश्रण बना उससे हम मोहितो बनाएंगे। सबसे पहले एक ग्लास लेना है और ये जो हमने मिश्रण बनाया तो उसका 1/2 हिस्सा हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा बर्फ डालेंगे, साथ ही में थोड़े से पुदीने के पत्ते मिलाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे सोडा वाटर, यानी कि जो एरिएटेड ड्रिंक आता है वही लेना है। तो हमारा बहुत ही बढ़िया चौथा ड्रिंक भी तैयार है, मैंगो मोहितो। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि आपको ये चारों रेसिपी अच्छी लगी होगी और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये समर में बहुत ही अच्छी ठंडक देगा। अभी आपको रेसिपी देख के थोड़ी ठंडक मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।